आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डिमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉ से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहां से आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर लॉ के नोट्स और नए वीडियोस की अपडेट अपलोड कर दी जाती है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि निर्णय, डिक्री और आदेश क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है। जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर तीनों ही शब्द सिविल मामले से संबंधित हैं। इन तीनों शब्दों का उपयोग सिविल कोर्ट द्वारा किया जाता है। सिविल केस पक्षकारों को स्वयं चलाना होता है। कोई भी सिविल मामला आपराधिक मामले क्रिमिनल केस की तरह स्टेट अर्थात राज्य के द्वारा नहीं चलाया जाता। अर्थात जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिमिनल केस में क्या होता है कि क्रिमिनल केस में अपराधी होता है और पीड़ित होता है। आप सभी जानते हैं कि क्रिमिनल केस में पीड़ित की ओर से क्या है, राज्य पैरवी करता है। जैसे मान लीजिए मैं क्रिमिनल हूं, मैंने कोई अपराध किया है, तो केस का नाम क्या होगा, स्टेट वर्सेस प्रियंक ढिमोले। क्रिमिनल केस में स्टेट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हर एक राज्य की ड्यूटी होती है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा करे और उनका ध्यान रखे। इसलिए जब भी कोई अपराध होता है तो पीड़ित की ओर से क्या है, राज्य पैरवी करता है। इसलिए क्रिमिनल केस में स्टेट वर्सेस XYZ अर्थात अभियुक्त का नाम वहां पे लिखा जाता है। लेकिन सिविल केस में क्या होता है, कोई भी मामला आपराधिक मामले की तरह स्टेट के द्वारा नहीं चलाया जाता, बल्कि इसे पक्षकार पार्टी स्वयं चलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके और मेरे बीच कोई विवाद है किसी संपत्ति को लेकर, किसी मकान या प्रॉपर्टी को लेकर, आप वादी हैं, मैं क्या है, प्रतिवादी हूँ। तो फिर सिविल केस में क्या है, स्टेट पैरवी नहीं करता, इसलिए फिर वहां पे क्या है, आपके और मेरे नाम से केस चलेगा। कोर्ट मामले को सुनती है, ऐसे मामले में कोर्ट समय समय पर ऑर्डर देती है, एक जजमेंट देती है और जजमेंट के साथ एक डिग्री पारित करती है। देखिए जजमेंट क्या है, क्रिमिनल केस में भी होता है और जजमेंट सिविल केस में भी होता है। लेकिन सिविल केस में क्या होता है कि जजमेंट के साथ एक डिग्री भी दी जाती है, अर्थात क्रिमिनल केस की लास्ट स्टेज क्या है, जजमेंट है। इसी प्रकार सिविल केस की लास्ट स्टेज क्या है, डिग्री है। लेकिन डिग्री के पहले जजमेंट किया जाता है, फिर डिग्री पारित की जाती है। किसी भी सिविल केस को कोर्ट के समक्ष चलाए जाने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। वाद पत्र के जरिए वादी कोर्ट में अपनी बात रखता है, इसके बाद कोर्ट प्रतिवादी को बुलाकर उससे जवाब मांगती है और प्रतिवादी फिर अपना जवाब प्रस्तुत करता है। वादी के वाद पत्र और प्रतिवादी के जवाब दावे को देखने के बाद कोर्ट क्या है, इश्यूज बनाती है। इश्यूज का मतलब होता है कि दोनों पार्टीज के बीच विवाद क्या है, अर्थात असली विवाद का मुद्दा क्या है। जैसे वादी कह रहा है ये मकान मेरा है, प्रतिवादी कह रहा है ये मकान मेरा है, तो यहाँ पे इशू क्या हुआ, यह मकान किसका है। अब क्या है, इन इश्यूज के ऊपर ही केस चलता है। सबूतों को देखने के बाद कोर्ट उसमें अपना निष्कर्ष देती है। ऐसा निष्कर्ष एक जजमेंट लिखकर प्रस्तुत किया जाता है। इस जजमेंट के साथ में डिक्री भी होती है। यह डिक्री पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करती है, अर्थात जजमेंट में जो निष्कर्ष निकला है उस निष्कर्ष के आधार पर कोर्ट कम शब्दों में, यहां से ध्यान से सुनिएगा, फिर से यहां से रिपीट कर दे रहा हूं, उस निष्कर्ष के आधार पर कोर्ट कम शब्दों में संपूर्ण जजमेंट का सार डिक्री में लिख देती है और पक्षकारों के अधिकारों को स्पष्ट करती है। निष्कर्ष निकला ना इतनी प्रक्रिया करने में, ये निष्कर्ष ही क्या है, निर्णय कहलाता है, अर्थात जजमेंट कहलाता है। जब भी डिक्री की बात आए तो वहां पे क्या है, अधिकार की बात हो रही है। मतलब डिक्री क्या है, जजमेंट के बाद जो अधिकार, जो जीता उसे क्या अधिकार प्राप्त हुए, डिक्री यह बताती है। निर्णय यह बताता है कि भैया विवाद क्या था, न्यायाधीश ने उस पर क्या विचार किया और फिर क्या निष्कर्ष निकाला, निर्णय यह बताता है। और निष्कर्ष निकलने के बाद जीतने वाले के क्या अधिकार हैं, अर्थात वादी जीते या प्रतिवादी जीते, उसके क्या अधिकार हैं निर्णय के बाद, निष्कर्ष के बाद निर्णय आया और निर्णय के बाद जीते हुए पक्षकार के क्या अधिकार हैं, वह क्या है, डिक्री बताती है। तो जजमेंट क्या है, न्यायाधीश का निष्कर्ष है, सबको सुनने के बाद उनका निष्कर्ष क्या है, उन्होंने क्या पाया केस में। और डिक्री क्या है, जीतने वाले के अधिकार। डिक्री क्या है, अधिकारों की बात करती है और देनदारी की बात करती है। देनदारी क्या है, जैसे मान लीजिए प्रतिवादी जीत गया केस, तो डिक्री में उसके अधिकार लिखे जाएंगे कि भैया मकान क्या है, प्रतिवादी के नाम किया जाता है, कितने स्क्वायर फिट पे बना है मकान, कितना हिस्सा मिलेगा उसको स्क्वायर फिट में, पूरा मकान मिलेगा या मकान का हिस्सा मिलेगा, ये सब अधिकार क्या है, डिग्री में लिख दिए जाते हैं। और रही बात देनदारी की, मान लीजिए प्रतिवादी केस जीत गया तो कोर्ट वहां पे क्या है, देनदारी भी बना सकती है, किसके ऊपर, वादी के ऊपर, कि वादी तुम प्रतिवादी को इतना पैसा दोगे क्योंकि तुमने बेफालतू में उसे परेशान किया है,
झूठा केस किया है या जबरन का केस किया है, इसलिए तुम्हारी इतनी देनदारी बनती है। तो डिक्री क्या है, अधिकार और देनदारी की बात करती है। कि सामान्य भाषा में मैं यही समझाऊं आपको शॉर्ट में, तो निर्णय क्या है, एक बड़ा रूप है, और डिक्री क्या है, निर्णय का एक छोटा रूप है। निर्णय में हर बात लिखी जाती है कि विवाद क्या है, न्यायाधीश ने उसमें क्या ढूंढा, फिर उसका क्या आंसर दिया, कौन जीता कौन हारा, ये सब बात क्या है, निर्णय में दी जाती है। लेकिन डिक्री क्या है, उसका छोटा रूप है निर्णय का। दोनों में अंतर नहीं है, बस डिक्री क्या है, निर्णय का छोटा रूप है। और डिक्री बात करती है अधिकार की, कि भैया जीतने वाले को क्या अधिकार मिलेंगे। जजमेंट क्या है, अर्थात निर्णय क्या है। जजमेंट किसी भी विवाद के तथ्यों पर कोर्ट का एक विस्तार पूर्वक निष्कर्ष है, जो कोई भी विवाद के तथ्यों पर आए हुए सबूतों का बहुत बारीकी से अवलोकन कर प्रस्तुत करता है। जैसे कि अगर किसी मकान पर कोई दावा किसी पक्षकार द्वारा किया गया है और कोर्ट के सामने यह मुकदमा लाया गया है कि वह मकान उसका है और उस पर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, तब कोर्ट विवाद के तथ्यों को देखती है, इस बात की जांच करती है कि क्या वाकई ऐसा कोई मकान है और उस पर कोई कब्जा हुआ है, और कब्जा किस व्यक्ति द्वारा किया गया है। जिस व्यक्ति का कब्जा होता है उस व्यक्ति से कोर्ट यह पूछती है कि आप बताएं, आपके पास में आपके मालिकाना हक के लिए क्या दस्तावेज हैं। वह अपना मालिकाना हक कोर्ट में साबित करता है। जो भी दस्तावेज आते हैं उनका बहुत बारीकी से अवलोकन किया जाता है, किसके द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा। उस अवलोकन के बाद जजमेंट लिखा जाता है, मुकदमे की एक परिस्थिति को संक्षिप्त में करके जजमेंट में लिख दिया जाता है। जो भी बयान पक्षकारों ने दिए हैं उनके बयानों को जजमेंट में लिखा जाता है। फिर भी जजमेंट अर्थात निर्णय किसी भी पक्षकार के अधिकारों को तय नहीं करता और ना ही किन्हीं पक्षकारों की ड्यूटी बताता है। कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जजमेंट निष्कर्ष, पक्षकार के अधिकार तय नहीं करता, ना ही पक्षकारों की ड्यूटी बताता है। मतलब निर्णय क्या है, न्यायाधीश का निष्कर्ष है। मतलब न्यायाधीश द्वारा वादी का वाद पत्र देखा गया, प्रतिवादी का जवाब दावा देखा गया, फिर वाद प्रश्नों की रचना हुई, वाद प्रश्नों के आधार पर फिर क्या है, गवाह बुलाए गए, दस्तावेज पेश किए गए दोनों पार्टीज की ओर से, और उस सभी को देखने के बाद न्यायाधीश का जो निष्कर्ष है वही क्या है, निर्णय है कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन ये सही गलत होना क्या है, पक्षकार के अधिकार तय नहीं करता। निर्णय में ना तो वादी के अधिकार बताए जा रहे हैं, ना ही लेनदारी अर्थात पक्षकारों की ड्यूटी क्या बनती है यह बताई जा रही है कि लेनदारी और देनदारी क्या होगी उनकी। यह बात बताती है डिक्री। निर्णय क्या है, केस की पूरी कहानी बताता है और कहानी का सार क्या निकला वह क्या है, डिक्री बताती है। डिक्री क्या है, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है, जहां डिक्री को कोर्ट की एक औपचारिक अभिव्यक्ति बताया गया है। यदि सरल शब्दों में कहें तो डिक्री जजमेंट में अंत में लिखी जाने वाली कोर्ट की अभिव्यक्ति है, जो विवाद के तथ्यों पर निकले हुए निष्कर्ष से पक्षकारों के अधिकार और दायित्व के संबंध में स्पष्ट उल्लेख कर देती है। मतलब निर्णय क्या है, पूरी कहानी बता रहा है, डिक्री क्या है, अधिकार और दायित्व बता रही है। अब यह आता है मेन पैराग्राफ, इससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। डिक्री का लाभ यह होता है कि पक्षकारों को समस्त निर्णय पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु डिक्री पढ़कर ही निर्णय के आधार को समझा जा सकता है। डिक्री में कोर्ट कम शब्दों में अपनी बात को रख देती है और इसी के साथ पक्षकारों के अधिकार और दायित्व को स्पष्ट करती है। डिक्री को एक अधिक कानूनी बल प्राप्त होता है। यदि कोर्ट में कोई डिक्री पारित की है और जिस पक्षकार के विरुद्ध ऐसी डिक्री पारित की है, कोर्ट उस पक्षकार से इस डिक्री के पालन की अपेक्षा करती है। कोर्ट यह स्पष्ट कर देती है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध डिक्री पारित की गई है वह उसका पालन करे। अगर डिक्री का पालन नहीं किया जाता तब जिस व्यक्ति के पक्ष में ऐसी डिक्री पारित की गई है, जिस व्यक्ति के पक्ष में अर्थात वादी के पक्ष में, वादी केस जीता है तो वादी के पक्ष में ऐसी डिक्री पारित की गई है, उस व्यक्ति द्वारा कोर्ट में एक मुकदमा लगाकर डिक्री का पालन करवाया जा सकता है। अर्थात वादी केस जीत गया और उसके पक्ष में क्या है, डिक्री पारित की गई। देखिए स्वाभाविक सी बात है, डिक्री एक ही है लेकिन जो जीता है उसके पक्ष में है और जो हारा है उसके क्या है, विरुद्ध है। जीता वादी है तो वादी के पक्ष में डिक्री है और हारा प्रतिवादी है तो उसके विरुद्ध डिक्री है। तो अगर प्रतिवादी जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है, विरुद्ध पारित की गई है किसके, प्रतिवादी के, वह उसका पालन करे। अगर पालन नहीं करता
तो जिस व्यक्ति के पक्ष में अर्थात वादी के पक्ष में पारित की गई है, तो वादी क्या है, मुकदमा लगाकर डिक्री का पालन करवा सकता है। मतलब क्या है, डिक्री की पालना करने तैयार नहीं है प्रतिवादी, वादी के जो अधिकार हैं और जो रिलीफ है वो देने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में फिर वादी क्या है, एक अलग केस दायर करके डिक्री का पालन कोर्ट से करवा सकता है। इन सभी बातों के बाद यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण निर्णय में डिक्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। डिक्री को कोर्ट द्वारा दिए गए एक सर्टिफिकेट के तौर पर माना जा सकता है, ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी व्यक्ति के संबंध में उसके अधिकारों को बताता है और घोषणा कर रहा है। पक्षकार अपनी बात को रखने के लिए केवल छोटी सी डिक्री बता सकते हैं, इसके लिए उन्हें कोई बड़ा भारी जजमेंट बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो सामान्य सी बात यह है कि डिक्री क्या है, निर्णय का एक छोटा रूप है। निर्णय में पूरी कहानी होती है, और डिक्री में क्या है, निर्णय के बाद जो अधिकार मिले हैं जीतने वाले को और जो देनदारी बनी है, डिक्री में यह बात लिख दी जाती है। अब एक उदाहरण है हमारे पास राम बाबरी मस्जिद का। अब उसमें जो निर्णय आया था वह आया था 1045 पन्नों का। तो सोचिए कितने गवाह होंगे उसमें, हर गवाह के निर्णय में बयान लिखे गए होंगे, फिर न्यायाधीश ने उसमें क्या फाइंडिंग की वह लिखी होगी, फिर वाद प्रश्न का जो निष्कर्ष निकाला न्यायाधीश ने वह क्यों निकाला, किस लिए निकाला, यह भी लिखा होगा। हर गवाही हर दस्तावेज के बारे में लिखा होगा, इसलिए जजमेंट क्या है, 1045 पन्नों का चला गया। पूरे केस में प्रश्न तो यही था कि जमीन पर किसका अधिकार है, हिंदू पक्ष का है कि मुस्लिम पक्ष का है। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या है, 1045 पन्ने का जजमेंट देना पड़ा कोर्ट को, लेकिन डिक्री क्या है, 2-3 पन्नों की रही। भाई डिक्री में लिखा ही क्या था, अधिकार ही तो लिखा था कि विवादित ढांचे पर अर्थात जहां पर रामलला विराजमान थे और जहां पर मस्जिद थी, तो न्यायालय घोषणा करता है कि उस विवादित ढांचे पर हिंदू पक्ष अपना दावा साबित करने पर सफल रहा, इसलिए विवादित ढांचा हिंदू पक्ष को दिया जाता है। दूसरा क्या कि मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए क्या है, अलग से एक जमीन दी जाती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि निर्णय में क्या है, पूरी कहानी निकली, फिर कहानी का निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष क्या है, निर्णय बन गया, लेकिन निर्णय के बाद अधिकार किसके क्या है यह बताए जाते हैं डिक्री में। अब आता है आदेश, कि आदेश क्या होता है। एक सिविल केस में कोर्ट समय समय पर आदेश देती है, ऐसे आदेश सिविल केस को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सिविल केस में अनेक महीनों की तारीख लगती है, सभी तारीखों पर कोर्ट कोई ना कोई आदेश पारित करती है, ऐसे आदेश को ऑर्डर शीट पर लिखा जाता है तथा उस पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर होते हैं। यह आदेश मामले को कोर्ट में चलाने के लिए देना होते हैं, पर इस आदेश से किसी भी व्यक्ति के दायित्व और अधिकार तय नहीं होते और ना ही विवाद के तथ्यों पर कोई हल निकलता है, अपितु यह तो केवल कोर्ट अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए मामले को आगे बढ़ाता है। मतलब आदेश क्या है, कोर्ट द्वारा दिया जाता है, न्यायाधीश द्वारा दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है, कि कोर्ट की कार्यवाही क्या है, निरंतर बिना किसी विघ्न बाधा के चलती रहे। अब जैसे मान लीजिए कि वादी ने केस किया, लेकिन वादी क्या है, कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा, जब उसे बुलाया जा रहा है, बार बार उसके अधिवक्ता आदेश 17 नियम 1 का आवेदन देकर हाजिरी माफी ले ले रहे हैं, तो फिर कोर्ट क्या है, एक आदेश पारित करेगी कि वादी भैया कोर्ट में उपस्थित हो जाओ, नहीं तो आपकी गवाही या जो एविडेंस चल रहा है उसको क्लोज करवा दिया जाएगा। फिर तो फिर क्या है, वादी मजबूर हो गया कि भैया कोर्ट ने आदेश कर दिया, अब तो आना ही पड़ेगा। तो जब केस क्या है, कोर्ट में चल रहा हो, ऐसी दिक्कतें आती हैं, तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए और केस क्या है कंटिन्यू चलता रहे बिना किसी विघ्न बाधा के, इसीलिए कोर्ट क्या है समय समय पर आदेश देती है, जिससे क्या है मामला क्या है आगे बढ़ता रहे। तो यही होता है आदेश। तो होप गाइस वीडियो आप समझ गए होंगे कि निर्णय डिक्री आदेश क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर होता है। यदि इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एडवोकेट प्रियंक ढिमोले आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।